हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं BA LLB फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट ईयर का पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का, न्यू कोर्स पर बेस्ड है। तो देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपसे पूछे गए हैं। आपको पता है कि आपका 100 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए पूरी तरह से आपका ग्रामर बेस्ड होता है, जैसे कि देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा, इसमें आपको ना ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपने 5 ही आंसर देने हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स देगा, 4 मार्क्स। गुड, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका द वेरी फर्स्ट इज गिव एंटोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे हैं आपसे और यहाँ पर आपको 6 दिए गए हैं। गुड, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको आंसर प्रोवाइड करने हैं, जो एंटोनिम्स देने हैं सिर्फ कितने के देने हैं, 4 के। तो कोई भी 4 आपको चूज कर लेना है। कुछ स्टूडेंट्स सारे ही कर देते हैं, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता, आपका टाइम और आपकी एनर्जी ही वेस्ट होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आपने सिर्फ अब देखिए आपका एक एक आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 1 का, क्योंकि आपने 4 करना है। तो कोई भी 4 करेंगे तो आपका 1 2 3 4। गुड, तो आपने दो कोई से भी जिनका आपको नहीं पता छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं एंटोनिम्स, काफ़ी सिंपल होता है ये वाला सेक्शन, और इसमें कितनी बार आपको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का हो गया आपका। अब जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, इम्पोर्ट का क्या है, तो इम्पोर्ट का जैसे कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक्सपोर्ट नेगेटिव का पॉजिटिव, गेस्ट का होस्ट, लूजर का विनर, हाई का क्या है हमारा लो हो जाता है, और एक्सपेंसिव का चीप। गुड, तो ये काफ़ी सिंपल होता है, और सेक्शन ए हम कहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना एग्जामिनर आपके कहीं भी नंबर कट कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आपका सेकंड में मीनिंग पूछा गया है सिंपल वर्ड्स में, होमोनिम्स। होमोनिम्स जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको 2 सेट्स हैं, यहाँ पर गिव द मीनिंग ऑफ एनी 2 सेट्स, और 2 सेट्स का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों का लिखते हैं, जैसे कि देखिए आपने इसका भी एक्सेप्ट कभी बताते हैं, एक्सेप्ट कभी बताते हैं, होमोनिम्स है ना, तो मीनिंग जब आप बताते हैं तो ये 1 1 मार्क्स के हो जाते हैं, क्योंकि 2 सेट्स पूछे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए करते हैं बी करते हैं तो ये आपका 2 मार्क्स का है और ये भी 2 मार्क्स का है। कोट यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं, तो इनका मीनिंग लिखना है आपको होमोनिम्स के, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 2 सेट्स। गिव सिनोनिम्स, जैसे कि फर्स्ट वन में आपसे पूछे गए थे एंटोनिम्स, तो यहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट आपसे पूछे गए हैं सिनोनिम्स, और किसके सिनोनिम्स, एनी 4, कोई से भी 4 दे सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि लॉयल है आपका, ये भी आपका काफ़ी सिंपल है, लॉयल का सिनोनिम क्या होता है, फेथफुल, ट्रस्ट वर्दी भी आप लिख सकते हैं, रिलायबल भी आप लिख सकते हैं, रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी और फेथफुल, एंड टेंडर का डेलिकेट भी आप कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको जिसमें भी आपको इजीनेस लग रही है आपको, क्योंकि सिनोनिम बताना है तो इसमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अगर बच्चा कुछ ऐसा भी लिखता है कि जो सिमिलर है उसके, तो भी एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर आपके यहाँ कट नहीं करता। गुड, कि आपने एटलीस्ट मेहनत तो की ना ईयरली, तो आपका यहाँ पर जैसे कि एनुअल लिख सकते हैं, अमेजिंग का आपके काफ़ी सिनोनिम होते हैं, ये नहीं कह सकते कि एक ही सिनोनिम होता है, तो काफ़ी होते हैं इसमें, जो भी आपको उस टाइम आपको आप रिकॉल कर पा रही हैं, आप उसको लिख पा रही हैं, तो फौरन लिख दीजिए। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि किसी भी कीमत पर ये वाला सेक्शन आपने मिस नहीं करना। तो जैसे कि अमेजिंग का आप लिख सकते हैं, ओसम लिख दिया आपने, वंडरफुल लिख सकते हैं, मार्वलस लिख सकते हैं, अगर आप मार्वलस भी लिख रहे हैं तो भी आपका कभी भी एग्जामिनर आपका कट नहीं करेगा। वेल्दी, वेल्दी का जैसे कि आपने रिच लिख दिया, चोप आपको पता है कट इन टू पीसेस, तो आपने कट कट लिख दिया यहाँ पर। गुड, तो ये आपके एंटोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स आ गए, आपके होमोनिम्स आ जाते हैं। तो पूरी तरह से ये वाला सेक्शन आपका ग्रामर पर बेस्ड होता है। चेंज द फॉर्म ऑफ एनी 4 वर्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट दैम इन ब्रैकेट्स। तो ये वाला 4th वन आपका पूरी तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
वर्ब इससे रिलेटेड होता है। इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि क्या बच्चे को पता है कि अगर हमें नाउन को, नाउन का एडजेक्टिव क्या होता है या वर्ब का एडवर्ब क्या होगा, तो इस तरह से इनका पर्पस होता है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि ये देखना है कि आपको फोर ही करनी है। बच्चे ये सब करते चले जाते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, क्रेज का एडजेक्टिव पूछा है। ओके, क्रेज का एडजेक्टिव क्या हो गया, जैसे कि क्रेजियस, तो आपने इसके सामने लिख दिया ए में आंसर, क्रेजियस। ओके, कंप्लीट का भी यहाँ पर नाउन पूछा है, तो कंप्लीट का नाउन क्या हो जाता है, कंप्लीशन लिख सकते हैं आप। अचीवमेंट की वर्ब क्या होती है, अचीवमेंट का आपसे वर्ब पूछा है, तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान करना कि वर्ड क्या है और आप को मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है आपको उसको किस फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि देखिए, अचीवमेंट को वर्ब, वर्ब क्या होगी अचीवमेंट की, तो इसको जो चेंज करना है दैट इज आप टू भी लगा सकते हैं चाहे तो वो भी सही होगा आपका, टू अचीव, या सिर्फ आप लिख देते हैं अचीव तो भी गलत नहीं होगा। एंग्री, तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब पूछा है, तो एडवर्ब में एड वर्ब, ओके, वर्ब में जो एड करते हैं, तो यहाँ पर वाई हटाकर हम क्या कर देते हैं, आई एल वाई, ओके, एंग्रीली। बोर का एडजेक्टिव पूछा है यहाँ पर, तो बोर का एडजेक्टिव होगा, बस यहाँ पर हम डी लगा देंगे, बोर्ड। एग्रीमेंट का फिर वर्ब आया है यहाँ पर, तो एग्रीमेंट में से मेंट हटा दिया हमने और स्किप कर दिया, ओके, इसको, और हमने सिर्फ लिख दिया एग्री। तो जब वर्ब पूछी जाती है, अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टू एग्री भी लिखते हैं, कुछ एग्री भी लिख देते हैं, तो दोनों ही सही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही रिपीट कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। गुड, तो यहाँ पर चेंज द फॉर्म आ जाती है आपकी। अब फिर इनमें यहाँ मीनिंग पूछे जा रहे हैं आपसे, कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, और देखिए कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाता है कि सिंपल वे में इनका मीनिंग बताइए। ओके, तो ये जो भी आपसे पूछे जाते हैं वर्ड्स के मीनिंग, ये बहुत ही इजी होते हैं, इनको हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप चाहे तो जैसे कि इनका कितनी बार कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिटेल में बता देते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, कुछ क्या करते हैं कि दूसरा वर्ड लिख देते हैं, तो जो दोनों में से, क्योंकि जो पर्पज़ है हमारा पूछा गया है कि इनका मीनिंग बताइए, वो डज इट मीन। अब देखिए सेक्शन बी पर आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री। तो यहाँ पर आपको थ्री क्वेश्चंस आएंगे आपके, मींस ऑप्शन होगा आपके पास, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। गुड, तो ये भी देखिए सेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने सिर्फ दो क्वेश्चन करने हैं। एक्सप्लेनेशन आएंगी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्ले प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी गई है, ये वहाँ से आएगी जो भी आपके सिलेबस में, कोई भी प्ले आपके सिलेबस में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। गुड, तो ये आपकी आ जाती है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए सेवन्थ वन लेंथी पेपर होता है, नो डाउट 100 मार्क्स का है। पैराग्राफ, राइट अ पैराग्राफ। गुड, और यहाँ पर जैसे कि देखिए इन्होंने ये जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं दे दिए, आपके थ्री आए हैं, तो आउट ऑफ थ्री आपने सिर्फ एक ले लेना है, जो जिसमें भी आपको लगे कि आप अच्छे तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं। तो एक पैराग्राफ लिखना है आपने, देखिए जैसे कि कोई सा भी ये नहीं कह सकते डिफिकल्ट है। जैसे कि इडियम ले लिया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो जिसमें भी आपको लगता है कि आप अपने आइडिया को, अपने आप को, या उस इडियम को अच्छे तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप उसी को लेना। गुड, एनी वन। अब यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स आ जाते हैं, 8-1 में एड प्रीफिक्स। तो क्योंकि जनरल जनरल आपकी इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, और आपके सिलेबस में ये सब दिए होते हैं, ऐड प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। गुड, अब ये आपका यहाँ पर 6 दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, तो आपने कितने करने हैं यहाँ पर, आई थिंक 5 आपने करने होंगे, क्योंकि 5 अगर आप करते हैं तो आपका 2, एक क्वेश्चन आपका 2 का हो जाता है, तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। मीन 6 नहीं करने हैं आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया, बस ये है कि आपने सारे करने हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है। तो यहाँ पर आपने प्रीफिक्स, प्रीफिक्स देखिए जैसे कि प्रीफिक्स ऐड करने हैं, ओके, उस वर्ड से पहले, प्री जो पहले आता है कि उसमें क्या फिक्स हमने किया, जैसे कि जस्टिस से पहले अगर हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्टिस का इनजस्टिस आ जाता है। कोड का पहले क्या आ जाएगा प्रीफिक्स, यहाँ पर डी आ जाएगा, डी ई, तो ये हमारा वर्ड हो जाता है डी कोड। स्टार का आप
को स्टार भी कर सकते हैं, सुपर स्टार भी कर सकते हैं, गॉड, तो जो भी आपको आ रहा है दोनों ही करेक्ट है, को स्टार और सुपर स्टार। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड एंड बैलेंस में इम आ जाएगा आपका प्रीफिक्स में, इम इम बैलेंस, पॉसिबल का पता है आपको, इम पॉसिबल। तो काफी सिंपल पेपर है, इसको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं कह सकते फोर्थ सेम के लिए। सेक्शन सी में चलते हैं हम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ आपको आपको ऑप्शन मिलेंगे एनी थ्री, अटेम्प्ट एनी थ्री, कोई से भी तीन करने हैं आपको, और एक क्वेश्चन होगा आपका कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो आपका ये वाला सेक्शन होता है 60 मार्क्स का, गुड। और ये भी वही पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, कुछ भी इसमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, क्योंकि इजी पेपर आता है, नहीं कह सकते डिफिकल्ट है। व्हाई इज विलियम शेक्सपियर कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? ओके, विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट, तो उसमें इसमें जैसे कि देखिए, आपको जो भी उनके ड्रामास पता हैं आप उन सबको अच्छे तरीके से ब्रीफ में मेंशन कीजिए। हैमलेट है, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, और आपका किंग लियर, बहुत सारे प्ले हैं उनके। हाउ वुड यू इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक इन द ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस? गुड। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर कोई पार्टिकुलर उन्होंने ड्रामा के बारे में नहीं पूछा, जैसे कि आपके सिलेबस में है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन में पूरी तरह से फ्री हैं, आपकी आप किस तरह के ड्रामा को मेंशन करना चाहते हैं, बस आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर किस तरह के ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर आ रहा है हमारा शाइलॉक का, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कैरिंग 10 मार्क्स, गुड, क्योंकि 20 मार्क्स का है, तो ये आपके टू पार्ट्स इसमें है, तो एक पार्ट के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, गुड। तो मीन्स दोनों ही पार्ट आपने करने हैं। अब ये पूरी तरीके से देखिए, ग्रामर बेस्ड है, पूरा ग्रामर है आपका, सुटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको दे दिए गए कि यहाँ पर नाउन ऐड कीजिए, गुड। बहुत ही अच्छा पेपर, बिल्कुल सिंपल पेपर है आपका इन दिस वे। यहाँ पर करेक्शन है सेंटेंसेस को, आपने क्या करनी है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आपने वहाँ पर करेक्शन करना है। ओके, ये हमारा आ गया ए एंड बी, अगेन करेक्शन। फिर उसके बाद हमारा आता है राइट अ प्रेसिस ऑफ द पैराग्राफ गिवन बिलो, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको और आपने उसको क्या करना है, ब्रीफन करना है। ओके, सिंपल, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन नहीं आए हैं आपको, आपने एक तरह से कह सकते हैं इपिटम लिखना है, समरी लिखनी है, या जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, जस्ट लाइक दैट। तो बहुत ही अच्छा पेपर है आपका, दिस इज